वो सलमान खान बॉलीवुड के हैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब का सलमान खान ये बन चुका है। मैं क्या डरूंगी किसी से, मेरे को डर भी नहीं है, मैं बोल दूं। पर मैं सिर्फ सारी चीज़ों को लेके ना श्योर होना चाहती हूँ कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकले तो सामने वाला बंदा उस पर पॉइंट आउट ना कर सके। किलविश क्यों बोला उसने KISA? अच्छी चीज़ ये है कि वो जिसको एक बार अपना मान लेता है ना तो उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। आपकी ऑडियंस 500 रुपये दे के देखेगी आपको क्या, ये वो बहुत गलत स्टेटमेंट थी। फिर ऐसे कर दे कीर्ति मेहरा, कीर्ति मेहरा, कीर्ति। हाय, वेलकम टू हर जिंदगी कीर्ति। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कीर्ति मेहरा कौन है? कीर्ति मेहरा एक नॉर्मल ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की है जिसको एक टाइम पे यूट्यूब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ डांस में इंटरेस्ट था, ड्राइंग में इंटरेस्ट था, और वो सारी चीज़ें छोड़ के यूट्यूब में घुसी और इन सब लाइन में घुसी। फिर आपके सामने। अगर आप यूट्यूबर नहीं होती तो क्या होती? तो मैं शेफ होती, शेफ या फिर डांसर। कुकिंग, डांसिंग, मतलब एंड अगेन यूट्यूब में आप जो व्लॉग्स करते हो, व्हाट इज दैट कंटेंट व्हिच यू लाइक टू टॉक अबाउट द मोस्ट? मेरे को तो लगता है कि मैं पहले डेली व्लॉगिंग में घुसी बहुत मुश्किल से रही थी। मुझे था कि मेरे को डेली व्लॉग्स बनाऊंगी तो मैं ऑडियंस को क्या दिखाऊं, मतलब कोई इंटरेस्ट भी क्यों लेगा कि मेरे घर में क्या चल रहा है या मम्मी को मैंने क्या बोला है कि मैं लाके दूंगी और मैंने नहीं लाके दिया। फिर मैं घुस गई तो डेली व्लॉग्स में मुझे समझ आया कि ऑडियंस जब आपसे कनेक्ट करती है ना तो उन्हें सब कुछ देखना है आपका। आपका ट्रैवल भी देखना है, आपके घर के कलेश भी देखने हैं, आपके पर्सनल लाइफ के कलेश भी देखने हैं, सब कुछ देखना है उन्हें, क्योंकि उनको एक कनेक्ट मिल जाता है कि अब तो ये हमारी है, अब हमें सब कुछ जानना है इसके बारे में। तो उनकी तरफ से तो मेरे को लगता है कि सब कुछ ही सही है। मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि ट्रैवल व्लॉग में ज़्यादा करूँ, और ट्रैवल अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो चैलेंज वीडियोस करूँ या फिर कुछ ऐसा नया लेके आ सकूँ जिससे ऑडियंस हंसे, उनको ऐसा चैनल देख के खुशी हो, उदास ना हो कि यार ये तो व्यूज़ लेने आ गई, सिंपैथी लेने आ गई। अच्छा, ऐसा अक्सर कहते हैं लोग कि यूट्यूबर्स फेक होते हैं, इनकी जो लाइफ जो दिखती है और जो असल जिंदगी है उसमें बहुत फर्क है। आप कितने अनफिल्टर्ड और कितने बेबाक हो? काफी सारे हैं जो फेक होते हैं, कुछ लोग होते हैं रियल होते हैं, कुछ होते हैं फेक दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल रियल दिखाते हैं। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रेशियो ऐसा भी है जो जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, और ऑडियंस ना बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, देख के पता चल जाता है कि वो रियल है या फिर वो फिल्टर लगा रहे हैं। हम रियल लाइफ में होके रियल लाइफ किसी को नहीं दिखा पाते, हम तो फिर भी कैमरे पे हैं। तो जैसे अगर आप भी किसी से बात कर रहे हो, आप कितना अपने आप को रियल दिखा पाओगे? कुछ इमोशंस आप अपने तक भी रखते हो, तो काफ़ी चीज़ें नहीं दिखाते। पर मेरे को लगता है मैंने अपनी लाइफ जहाँ तक कोशिश करी है वो यही कोशिश करा है कि जितना हो सके उतना रियल दिखाऊं, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो नहीं चल रहा, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो साइड में ऐसे छुपा के रखी हुई हैं, वो बस दिखा नहीं रहे, लेयर्स के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक हैं। तो कुछ चीज़ें छुपा के रखते हैं क्योंकि ऑडियंस का पता नहीं होता कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को लेंगे। पर मैं अपनी ऑडियंस को सबको ये कहती हूँ कि मेरी लाइफ जो है वो खुली किताब की तरह है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो हुई हो वो छुपा दी हो व्लॉग में आके, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब आई कैन से कि कीर्ति मेहरा इज एब्सोल्युटली अनफिल्टर्ड एंड शी इज गोइंग टू टॉक अनफिल्टर्ड एंड कैंडिड। कैन वी से दैट? हाँ, वी कैन। हाँ, बोलूँगी नहीं पर अगर बोलूँगी तो रियली बोलूँगी। अच्छा, जो बोलूंगी वो सच बोलूंगी। हाँ। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, वैसे वाली बोलूंगी नहीं, वरना बोलूंगी नहीं। अच्छा, टॉप अगर मैं बात करूं, आपने बोला कि यूट्यूबर्स के बारे में बात करें हम लोग, टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको पसंद है। ऑल्सो इनकी जो पॉपुलैरिटी है आज की डेट में एक्टर्स से ज़्यादा हो चुकी है, व्हाट मतलब इसके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि टेलीविजन एक्टर्स और बॉलीवुड एक्टर्स जितने भी हैं उनसे ज़्यादा एंगेजमेंट आज के टाइम पे यूट्यूबर्स दे रहे हैं, नो डाउट। और मुझे लगता है वो इस इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस उनसे ना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही है। मैंने नहीं देखा कि कोई भी, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, या कोई भी सोशल मीडिया पे आके अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं या मीटअप्स कर रहे हैं। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है और इतना डेडिकेटेडली फॉलो कर रहा है तो वो इन रिटर्न कुछ तो रिप्लाई डिजर्व करता है ना। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे लैक करते हैं इस सब चीज़ों को लेके। और यूट्यूब ऐसी इंडस्ट्री है कि वो अपनी ऑडियंस को बहुत ऐसे हाथों में संभाल के रखते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से ज़्यादा उनकी तरफ लोग चले गए हैं। और बॉलीवुड में ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ा बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। तीन कौन सा नाम है? वो फेवरेट थ्री यूट्यूबर्स, थ्री फेवरेट यूट्यूबर्स। फेवरेट तो ऐसा है नहीं, बट हाँ राउंड टू हेल अच्छे लगते हैं। अच्छा, कीर्ति मेहरा अच्छी लगती है। अरे वो तो पहले आना चाहिए था ना, कीर्ति मेहरा। फिर ऐसे कर दे, कीर्ति मेहरा कीर्ति मेहरा कीर्ति। राउंड टू हेल अच्छे हैं, कीर्ति मेहरा तो ठीक है। प्रजक्ता कोहली एक है, मेरे को पता नहीं है नाम लेना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इज देयर समथिंग व्हिच इज एक्चुअली स्टॉपिंग यू टू से? बिकॉज पर्सनली व्हेन आई सॉ योर वीडियोस आल्सो, लाइक 3 साल पहले जब मैंने इंटरव्यूज देखे थे आपके, मैंने तब भी कहा था कि उस टाइम की कीर्ति मेहरा में और अब की कीर्ति मेहरा में कितना फर्क आ चुका है। उस वाली कीर्ति ने ना ठोकरें नहीं खाई थी, तो अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें रोक रही हैं कि मुझे चीज़ें बोलनी है, नहीं बोलनी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सामने लोग कैसे लेते हैं उसको, नहीं लेते। वरना मैं तो बहुत ऐसे धाकड़ लड़की हूँ, पंजाबी खानदान से लड़की हूँ मैं क्या डरूंगी किसी से? मेरे को डर भी नहीं है, मैं बोल दूँ। पर मैं सिर्फ सारी चीज़ों को लेके ना श्योर होना चाहती हूँ कि अगर मेरे मुँह से कुछ निकले तो सामने वाला बंदा उस पर पॉइंट आउट ना कर सके कि देखिए गलत बोला तूने। नाउ इफ आई आस्क यू कि फीमेल यूट्यूबर्स को जनरली बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे क्रेजी कमेंट्स या फिर क्रेजी फैंस जिसे हम कहते हैं। सो हैव यू एवर फेस ट्रोलिंग और व्हाट इज लाइक, हाउ डू यू टेक दैट? या जब मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था ना, तब मैंने इसका आंसर दिया था, तब बोला था मैंने कि मैंने इतना ट्रोलिंग फेस नहीं करी है क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो हमेशा दीदी दीदी करके बहुत प्यार से रही है। मेरी ऑडियंस अभी भी वैसे ही है, पर होता है ना दूसरों की ऑडियंस जब आती है और वो कमेंट करते हैं तो उन्हें नहीं पता कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, तो वो आके सुना के कुछ भी चले जाते हैं। मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं देखा कि उनके इंस्टा के नोटिफिकेशंस ऑन हो। मेरे इंस्टा के नोटिफिकेशंस ऑन थे कि एक भी कमेंट आए ना तो वो मैं पढ़ लूँ, और अगर कुछ ऐसा है तो मैं उसको या तो ब्लॉक मारूँ या डिलीट करूँ। कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि मैंने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए। तुम्हें जो कमेंट करना है तुम करो, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, मैं देख ही नहीं रही। अच्छों पे रिप्लाई करती हूँ, सबसे बात करती हूँ, पर जो बुरे हैं मेरे को नहीं लगता मुझे उन पे रिप्लाई करना है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता। कुछ होते हैं ना एकदम अंधे पागल आशिक आर्मीज हाँ। वो आगे ऐसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं। एक चीज़ पे मैं बात कर सकती हूँ इस पे कि कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं आपने तो धोखा दे दिया, आप तो छोड़ के चले गए, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। और मैंने हमेशा ये बोला है कि गाइज मेरी जो लाइफ है वो आप लोगों के सामने खुली किताब है। मुझे कोई भी पेज आप बोलोगे ना उठा के इसको पढ़, मैं पढ़ने को तैयार हूँ। सामने वाला रेडी है बोलने के लिए, नहीं है तो मैं आके कितना इंसल्ट करवा सकती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे लिए भी ये डिसरिस्पेक्टफुल है ना। मैं आऊँ सोशल मीडिया पे, मैं अच्छा अच्छा बोल के जाऊँ, विशेष दे के जाऊँ, और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ऑडियंस कुछ इतनी अच्छी भी है जो मेरे को आके बोलते हैं कि आप मत बोलो, छोड़ दो। और कुछ लोग हैं कि अगर मैं बोलूँ तो भी दिक्कत है, अगर मैं ना बोलूँ तो भी दिक्कत है, अगर मैंने बोल दिया तो व्यूज़ खाने आ गई, नहीं बोला तो धोखा दे के चली गई, अभी तक कुछ नहीं बोल रही, मैं क्या करूँ? जबकि मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितने पॉडकास्ट में गई हूँ, हर जगह मैंने अच्छा ही बोला है। मैंने स्टोरीज़ में भी सपोर्ट किया है। मैंने एक वीडियो डाली थी और मैंने बोला था ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो है बिग बॉस से रिलेटेड, तो मैंने बोला कि अब मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे को आके बोले यार व्यूज़ के लिए तू डाल रही है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने बिग बॉस की वीडियोज़ आ रही है ना लोगों की, सब व्यूज़ के लिए आ रही है। मुझे उसमें नहीं घुसना, क्योंकि मुझे वो चीज़ फेस करनी भी नहीं, मैंने 2 साल ऑलरेडी बहुत फेस किया है। तो मेरे को लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, अब बोल लो तुम्हें जो बोलना है। जब ऊपर वाला बैठा है सब कुछ देख रहा है, जब सच आएगा सामने तब आप खुद आके बोलोगे कि दीदी यार सॉरी गलती हो गई, और बोलेंगे, ये मैं लिख के दे रही हूँ, बोलेंगे। चलो यहीं पे मैं एक चीज़ अगली चीज़ पूछती हूँ आपसे। 3 साल पहले जब एडजी के साथ आपने हर जिंदगी के साथ आपने इंटरव्यू किया था, एंड आप और मोहित दोनों आए थे, ठीक है? सो यू वर टीम एल्विश, राइट? आर यू स्टिल सपोर्टिंग, आर यू स्टिल द पार्ट ऑफ टीम एल्विश? मैं सपोर्ट तो कर रही हूँ, क्योंकि एक मैं बहुत टाइम से एक चीज़ बोलना चाहती थी कि 18 से 24 साल की उम्र, 26 साल की उम्र वो होती है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलते, चाहे आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, चाहे कितने बड़े हो जाओ, क्योंकि 18 से 24, 25, 26 इस एज में आप वो सारे काम करते हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रोना पिटना हो, कुछ भी हो। तो मैंने 18 से 26 साल अपने उधर दिए हैं, तो मैं भूल तो नहीं सकती हूँ, सपोर्ट भी मैं कर रही हूँ। अब सामने वाला बंदा अगर बिल्कुल ही डिनाई कर दे, एग्जिस्टेंस ही ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मैंने तो आके सबको बोला हाँ था, और अगर ये फैक्ट कोई चेंज कर सके कि नहीं था कुछ, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ह्यूमनली बिहेवियर है। जो बिग बॉस में KI जो उन्होंने बोला है, वो क्या आप हैं या फिर यार मतलब या फिर कोई और है? मेरे को पता नहीं है कौन है। देखो मैं बता सकती हूँ कि 8 साल से मैं जानती हूँ, 8 साल तक चीज़ें सब मेरे को पता है, पर अभी अंदर क्या हो रहा है, किस सेंसेस में बोल रहा है या क्या सोच के बोल रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि जब एल्विश की एंट्री हुई, नाम ले दिया मैंने, जब उसकी एंट्री हुई तो फुकरा थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया, तो उसमें मेरे को लोग आके हेट देने लग गए कि आपने क्यों बोला फुकरे इंसान को ऐसे। पर मेरे को लगता है कि वो नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप गेम में हो, आपको गेम खेलना है और आपके सामने आपका कंपटीशन आ चुका है। अगर फुकरे का कंपटीशन एल्विश है तो एल्विश का कंपटीशन भी फुकरा है, दोनों एक दूसरे का कंपटीशन है। तो जब गेम में दूसरा बंदा आया उसको ऐसा लगता है कि यार कंपटीशन आ गया, तो मेरा मतलब उससे था कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ना फेस पे दिखी कि कंपटीशन आ गया। तो वो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो दोनों के ही फेस पे है। किल्विश क्यों बोला उसने KI ऐसे, ये मुझे भी पहले लगा था कि ओ मेरे लिए बोल दिया पर नहीं, मेरे को ऐसा आगे जो चीजें चली हैं वो मेरे को लग रहा है मेरे लिए नहीं बोला है, और मुझे पता भी नहीं है किस लिए बोला है। जब बाहर आएगा बात करूंगी ऑब्वियसली, तब पता चलेगा कि क्या है क्यों है या मेरे साथ क्या चल रहा था। किल्विश मुझे लगता है उसने शक्तिमान का वो जो कैरेक्टर है ना, नेगेटिव विलेन कैरेक्टर, अच्छा। किल्विश उसके लिए बोला है क्योंकि हम उसके लिए बाहर भी जोक करते थे, पर वो शायद भूल गया कि वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब उसको इतना समझ है कि बाहर KI बोलते ही यहाँ पे जाएगा, वो गया भी, तो उसको शायद उस टाइम पे एकदम से रियलाइज नहीं हुआ, उसके दिमाग में कुछ आया होगा और उसको लगा कि यार ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसने फिर एकदम से किल्विश बोल दिया, पर उसे ये नहीं पता कि किल्विश भी कनेक्ट हो गया क्योंकि दोनों का नाम जुड़ के किल्विश बनता है। मैंने आप लोगों की वीडियोस देखी हैं साथ में, आप लोगों के व्लॉग्स देखे हैं साथ में। एल्विश एज अ पर्सनालिटी ही इज वेरी आउटस्पोकन, ही इज वेरी डोमिनेटिंग, ही लुक्स यू नो ही टॉक्स इन अ सर्टेन वे। बहुत सारे टैग्स, आई थिंक एक जो टैग है बहुत फेमस है, पागल सी, जो कि आई थिंक उन्होंने ही आपको दिया था, एल्विश ने। एंड और ऑन द कॉन्ट्री जो आपकी पर्सनालिटी है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, वेरी इनोसेंट, इट्स अ लाइक पोल्स अपार्ट। सो कभी ऐसा लगा है कि यू नो कि अपनी बात रखने में आपको कभी प्रॉब्लम हुई है, या आपको लगता हो कि यार यू नो कि दिस इज ये शायद वो बात वो नहीं समझेगा वो इंसान? हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता था, पर ऐसा बहुत कम हुआ है कि वो गलत होता था। जेन्युइनली ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि मेरे में ही उस टाइम पे काफ़ी बचपना होता था, तो मैं चीज़ें समझने में दिक्कत दे देती थी, तो काफ़ी चीज़ों में वो सही होता था तो मैं मान लेती थी, काफ़ी चीज़ों में मैं सही होती थी तो वो मान लेता था। क्योंकि अगर मैच्योरिटी वाली लेवल पे सोचना होता था तो मैं ज़्यादा मैच्योर थी, पर अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करना है तो वो उसमें ज़्यादा तेज़ था। उसे पता होता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी रिसेंटली बिग बॉस में सलमान ने एल्विश को बहुत डांट लगाई है एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है, जो हम आर्मीज़ की बात करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं, उनकी आर्मी रही है, किसी की कुछ आर्मी, एंड देन दे प्ले एंड देन दे से सर्टेन थिंग्स। डू यू थिंक इट इज़ राइट टू टेक बिग बॉस, मतलब सलमान इज एक्चुअली द बिग बॉस, अगर की बात करें तो बिग बॉस और सलमान का नाम कोरिलेट करता है, तो क्या वो सही है एल्विश के लिए? क्यों ना ही इज टेकिंग डायरेक्ट पंगा विद सलमान। पर मुझे लगता है कि पंगा उसने नहीं, उसकी ऑडियंस ने ले लिया। उसे तो पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, और उसकी ऑडियंस तो ऐसी है कि भाई को कैसे कुछ बोले। वो सलमान खान बॉलीवुड के हैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब का सलमान खान ये बन चुका है। तो इसकी ऑडियंस तो ऐसी हो चुकी है कि भैया को कुछ बोला है तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। और वो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक पे बात छेड़ी, ऑब्वियसली वो टॉपिक सही था, बोलना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि बाहर ये सब चीज़ें दिख रही हैं, गलत कर रहा है। पर मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो गया। आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था उसमें। अगर आंटी को लेके आना चाहिए था तो फिर जिया के केस में भी लेके आना चाहिए था, क्योंकि जिया ने भी जो पानी में वैसा कुछ मिलाया था। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को अगर आप बुला रहे हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग फिर सबकी करो ना मतलब एक की नहीं करनी। और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन में था, और आंटी से बहुत प्यार है उसको, और उसी टाइम पे आंटी सामने दिख गई तो उसका ब्रेकडाउन हो गया काफ़ी। वो आंटी वाला फैक्टर नहीं लाते, बाकी सब मुझे ठीक था कि चलो कोई बात नहीं। और एक बात ये भी बोली थी कि आपकी ऑडियंस 500 रुपये दे के देखेगी आपको क्या, ये वो बहुत गलत स्टेटमेंट थी। किसकी? सलमान खान। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी हाँ, कि वो बहुत कि आपकी ऑडियंस क्या आपको 500 रुपये दे के देखेंगी। बट एल्विश ने मतलब इन द पास्ट फ्यू इयर्स व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर आल्सो इट वाज फ्रॉम द रोस्ट। ही यूज्ड टू रोस्ट एवरीवन फ्रॉम ऑल द बिग नेम्स टू बॉलीवुड स्टार्स टू A-listers एंड एवरीवन। व्हेन ही कैन से समथिंग एंड इफ ही इज नाउ लिसनिंग, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, वो सुन सकता है। उसके पास उसके ऊपर भी बहुत रोस्ट वीडियोस बनी है, तो वो पॉजिटिवली लेता है। जिस टॉपिक पे सलमान खान ने बोला वो भी बिल्कुल सही था, पर मेरे को लगता है कि इस टॉपिक पे आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था। आप उसे सुनाओ, वो सुन रहा है, वो सॉरी बोल रहा है उस चीज़ पर आंटी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा चले गया। मेरे को लगता है वो पूरा टॉपिक, वो पूरा एपिसोड उस टॉपिक पे निकाल दिया। How was your experience working with Elvish? काम के हिसाब से तो अच्छा था काफ़ी, मतलब ऐसा कुछ कभी दिक्कत नहीं आई। हो गया स्टार्टिंग से ही साथ में था। मेरे को दिक्कत बस इतनी आती थी, मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ता था बहुत लंबा ट्रैवल करके, और वहाँ पे ही 4-5 दिन रुकना भी पड़ता था, स्टे वगैरह करना पड़ता था। काम के हिसाब से कभी कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी और बात करें कि एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ बीइंग विद हिम। अच्छी चीज़ ये है कि वो जिसको एक बार अपना मान लेता है ना, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। उससे वो डिटैच बहुत मुश्किल से हो पाता है, बहुत टाइम लगता है उसे। वो दिखा देता है कि हाँ मैं हो गया, पर वो नहीं होता है। बुरी चीज़ जब उसे गुस्सा आता है उस टाइम पे छोड़ दो उसको अकेले, क्योंकि उस टाइम पे वो ऐसी बातें बोल देगा कि वो आपसे सुनी नहीं जाएंगी। उसे बाद में रियलाइज भी हो जाएगा कि मैंने गलत बोला है, पर गुस्से में वो एंगर इश्यूज थोड़े हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। पर दिल से बहुत सही है, अगले सेकंड ही रियलाइज कर लेगा कि गलत बोला है। उसको बस ये मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, तुम छोड़ दो मेरे को, थोड़ा अकेला छोड़ दो। एक अनसेट थ्रेड है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप एल्विश को फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन देयर इज अ फैन पेज जिसको आप फॉलो कर रहे हो। आप स्टोरीज लगाते हैं वेयर यू से यू नो अविनाश को लेकर, सो कहीं ना कहीं तो वो मैंने लास्ट लगाई, उसके बाद मैंने कोई स्टोरी नहीं लगाई। मैंने क्योंकि मेरे को था कि यार अब आप अपनी लाइफ से 8 साल डिलीट नहीं कर सकते। करेक्ट। कुछ भी हो जाए, सामने वाला अगर कर सकता है तो मैं तो सैल्यूट कर रही हूँ उसको कि कर पा रहे हो। पर कोई कुछ ऐसा लड़ाई नहीं हुई, कुछ ऐसा बुरे नोट पे कुछ नहीं हुआ। मेरे को भी कुछ क्लैरिटी नहीं है जेन्युइनली, जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी मैं आपको भी दे दूंगी। फुकरा इंसान एंड एल्विश का जो ये ब्रोमांस दिख रहा है इस टाइम बिग बॉस में, बिकॉज जीतेगा तो एक ही ना, राइट? सो इज इट फॉर रियल और या फिर ये फेक है? रियल और फेक मैं कैमरे पे देख के नहीं बता सकती, मैं दोनों को जानती हूँ, तो मेरे को इतना तो पता है कि फेक नहीं कर रहे हैं, पर मेरे को इतना भी पता है कि दोनों के दिमाग में गेम भी है। अब उसने एल्विश ने तो स्टार्टिंग में ही आके बोल दिया था कि यार मैं चाहता हूँ तू जीते क्योंकि तू यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक था, तो उसने अपनी तरफ से दिखाया, और फुकरे ने भी अपनी तरफ से उसको जहाँ पे भी लड़ाइयाँ हुई हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, बट आगे चल के जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें सबसे पहले आके फुकरे ने सामने वाले से लड़ाई करी थी कि इसको क्यों बोल रहे हो या क्यों उसके पीछे पड़ गए हो। तो मुझे लगता है दोनों की तरफ से ही है, और जो भी जीतेगा अपनी कम्युनिटी से ही जीतेगा, तो बढ़िया है। If given a chance, अगर आपको बोला जाए कि एक दिन के लिए घर के अंदर जाना है, किससे जाके क्या बात करके आओगे? और जिसको कुछ अगर एक कहते ना कि बिना कुछ कहे कुछ जवाब देना, वो क्या होगा? बेबिका को बोलूंगी यार थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाओ। और मनीषा को बोलूंगी कि सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, पर उसको थोड़ा मतलब एकदम से वो होता है ना, थोड़ा इमेच्योर हरकत कर देती है वो, तो उसे पता नहीं चलता। लोग उसको समझा रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, पर वो मेरे को लगता है बच्ची ही है, अभी समझ नहीं रही है या समझना चाहती नहीं है। बाहर आएगी तो उसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब कुछ। गेम पे ध्यान दो बस, और चीज़ों पे ध्यान मत दो, बढ़िया कर रही है। एल्विश को बोलूँगी बाहर आके मिल और पूजा जी को बोलूँगी कि थोड़ी बातें इधर उधर ना करें, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पता भी नहीं लगने दे रहे कि मैं इधर की बात उधर करे आई हूँ क्योंकि उन पे किसी को डाउट ही नहीं हो रहा है कि कुछ कर भी रही है, क्योंकि आप घर के बड़े पे क्यों ही डाउट करोगे कोई। वो आपकी बात मेरे को बता रही है, मेरी बात आपको बता रही है, और किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि सब बातें इधर उधर हो चुकी हैं और कहाँ से हुई है। जिया को बोलूँगी कि कॉफ़ी पे चलते हैं चीनी मिलाओ बस। फुकरे को तो बोलूँगी भाई बढ़िया कर रहे हो। मतलब मैं एल्विश के जाने से पहले मेरा भाई देख रहा था, तो उसने भी मुझे बताया कि बहुत अच्छा गेम है, चाहे वो अभी सबसे बना के रखने वाला गेम हो या उनका जिस भी तरीके का खेलने का तरीका है, फुकरे का गेम बहुत अच्छा है, बढ़िया खेल रहा है। ये सिस्टम वर्ड का क्या, ये मेरे को एक्चुअली ज़्यादा पता नहीं था ये सिस्टम वर्ड, और मैं एक्चुअली पढ़ना चाह भी नहीं थी उसके बारे में। बिफोर आई केम टू दिस इंटरव्यू आई वांट टू नो फ्रॉम व्हाट इज दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्या चीज़ है? यार ये लोग ऐसे ही मजाक में बैठे थे, तो बात कौन लोग बैठे थे? एल्विश, करप्ट, लक्ष्य वगैरह सब। अच्छा, तो इन्होंने ऐसी हंसे मजाक में ऐसे सिस्टम बोल दिया, तो अब वो इन्होंने इतना बोल दिया ना कि मेरे को लगता है सिस्टम ब्रांड बन चुका है। सो कीर्ति, थैंक यू फॉर दिस कैंडिड अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन विद आवर ऑडियंस, एंड हर जिंदगी पे आने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगी कि वंस दिस गेट ओवर वी वुड लाइक टू मीट हर अगेन, एंड डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क कीर्ति मेहरा। पार्ट 2 आ जाएगा उसका, पार्ट 2 आ जाएगा उसका। गाइज मैं सबको बस यही बोलना चाहती हूँ, जैसे आज तक सपोर्ट करते आए हो वैसे ही करना, और जैसे कीर्ति दीदी बोलते आए हो मैं उसका ध्यान रखूँगी कि वो नाम कभी ख़राब ना हो। एंड आई लव यू सो मच, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर जिंदगी एंड कीर्ति मेहरा